हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर और मैं आपका अपना रोहित सर. कैसे हो भाई सब? हेलो, गुड मॉर्निंग रंजीत. हेलो प्रियांशु राज, गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग भाई रंजीत, गुड मॉर्निंग केसी, गुड मॉर्निंग प्रिंस वर्मा, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग. फटाफट आ जाए भाई, शेयर कर लें भाई फ्रेंड्स के साथ अपने. बता दें भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है. आ जाओ आ जाओ यार. राकेश वरुण, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. शेयर कर ले भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर ले. क्लास स्टार्ट कर लेते हैं भाई. चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट कर लें. आ गए सारे? ओके, स्टार्ट कर लेते भाई. चलो देखते हैं क्या बातचीत होनी है आज. ये स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन, आज की सुबह का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. आंसर करेंगे भाई. पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे. बिल्कुल. क्या बोल रहा है? द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट डैश. गुड मॉर्निंग सागर, राम राम भाई. एमएस केसी का आंसर आया. बाकी बाकी जनता, प्रियांशु राज ए. ओके, प्रियांशु का भी आंसर आया. और भाई सागर कुमार ए, ठीक है. और जनता, अरुण सागर, इनका भी आंसर आया. सागर का भी आंसर आया, प्रियांशु राज का आ गया, केसी का आ गया. बाकी बाकी लोग फटाफट आंसर करें भाई. इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई. राकेश बमन सी. ठीक है, देख लें भाई आंसर, देख लें क्या है भाई. देखते हैं, चलो आ जाओ देखते भाई. क्या कह रहा है? द बॉयज वर टायर्ड, जो लड़के थे वो थके हुए थे, है ना? यही बोल रहे ना कि द बॉयज वर टायर्ड, लड़के थके हुए थे यहां तक. बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन, लेकिन इतना भी नहीं थके हुए थे, है ना? तोमर कविता सी, शारदा भट्टाचार्य सी. ओके, के सी एस सर, आशा पहारीवाल बी. ठीक है, चलो समझ लेते हैं. अब समझो क्या कह रहा है. द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन, लेकिन इतने भी नहीं थके हुए थे. आपको पता है कि जो ये पेयर होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 2+2, है ना, ये वाला पेयर होता है, ये निगेटिव सेंस के लिए आता है. किसके लिए आता है भाई? निगेटिव सेंस के लिए आता है. ये बात आपने पता है, अच्छे से पता है कि ये निगेटिव सेंस के लिए आता है, राइट. अब ये बोल रहा है कि लड़के थके हुए थे, लेकिन इतना भी नहीं थके हुए थे कि वो क्या ना कर सके भाई, द लिटिल हट को क्या ना कर सके भाई, क्या नहीं कर सकते भाई. वहां पहले ही निगेटिव वर्ड आ चुका है, तो उसको एग्जामिन करना है ना, ठीक है. बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट, इतने भी नहीं थके हुए थे कि क्या ना कर सके भाई वो लिटिल हट को, जो छोटा सा घर है था, घर था, ठीक है, या छोटी सी झोपड़ी थी, उसको क्या ना कर सके, एग्जामिन ना कर सके. अगर हमें कोई चीज को एग्जामिन करना है, किसी चीज को जांचना परखना है, किसी चीज पे सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे भाई? बिल्कुल शैलो करेंगे या बिल्कुल डीप में जाके करेंगे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक वर्ड है पहला वियर्डली. वियर्डली क्या क्या होगा भाई? स्ट्रेंजली. वियर्डली स्ट्रेंजली, तो स्ट्रेंजली का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट स्ट्रेंजली. स्ट्रेंजली का कोई सेंस नहीं है, तो जिनका भी आंसर ये है वो गलत हो गया भाई. दूसरा है वीकली. आप कोई भी चीज वीकली सर्च करोगे क्या? कमजोरी के साथ सर्च करोगे? गौरव कनौजिया सी, ठीक है. सो वीकली भी नहीं होगा भाई, यहाँ पे वीकली भी नहीं होगा. मैं देखो, जो सेंटेंस लिखा होता है आपको उसका सेंस एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसकी उसका सेंस, उसकी मीनिंग को निकालना होता है, राइट. आप कोई भी चीज थॉरली करते हो, थॉरली मतलब डीप डेप्थ में जाके, बिल्कुल डीप जाके आप करते हो, तो यहां से जो आंसर निकल कर आ रहा है आपके लिए क्या आ रहा है भाई?
थॉरली आ रहा है। करेक्ट आंसर थॉरली होगा, बिल्कुल डेप्थ में जाके आप कोई भी चीज को एग्जामिन करोगे, राइट। अच्छा, स्लग इसलिए की मीनिंग क्या होगी भाई, स्लगिस की क्या क्या मीनिंग होती है, स्लगिस क्या क्या लेकर आता है भाई अपने साथ। तो स्लगिस के लिए वोकैब की बात करें, अगर मैं सिनोनिम्स बोलूं आपसे तो सिनोनिम्स देखो जरा क्या क्या। एक तो वर्ड है लैंग्विड, क्या है भाई लैंग्विड। एक वर्ड है लैगार्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड है लेथार्जी, लेथार्जी। ये लगातार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे भाई, लगातार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, लैंग्विड, लैगार्ड, लेथार्जी, ठीक है। एक वर्ड है इंडोलेंट, है ना, एक वर्ड है इंडोलेंट, है ना, ये भी आपको पेपर में लगातार देखने को मिलेगा, राइट। कुछ ऐसे वर्ड हैं, हाँ भाई कैसी, ठीक है, लेजी, लेथार्जिक, हाँ बढ़िया। ए सी स्टडी 247 सी आंसर था, बिल्कुल सी आंसर है। लैंग्विड, लैगार्ड, लेथार्जी, इंडोलेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगातार पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। डोमिनेंट, क्या डॉर्मेंट भी देखने को मिलेगा और आइडल भी देखने को मिलेगा, राइट। ये वर्ड्स भी आपको लगातार पेपर में देखने को मिलेंगे। अब एक और आपके लिए कन्फ्यूजन की बात ये है कि जो इंडोलेंट है, क्या मैंने बोला इंडोलेंट है, इसी से हाँ स्लोथफुल भी होता है भाई, स्लोथफुल, है ना, स्लोथफुल भी होता है। चलो, ये सब स्लगिस के सिनोनिम है, स्लगिस के सिनोनिम है। थैंक यू भाई सागर, ये सब स्लगिस के सिनोनिम है। आप एक चीज तरह नोटिस करना कि वोकैब हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी क्वेश्चन को, एक सिंगल क्वेश्चन को विदाउट हेल्पिंग वोकैब हम कर ही नहीं सकते, राइट। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक वर्ड लिखा और उसे कितने सारे वर्ड्स आपके सामने ला के रख दिए गए कि इतने सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और यही आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, राइट। अब देखो, इंडोलेंट से एक कंफ्यूजन आपको आता है, एक वर्ड होता है इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, इनसॉल्वेंट की मीनिंग क्या होती है, तो इनसॉल्वेंट की मीनिंग अगर मैं देख दूं आपको, अगर मैं इसको साइड में लिख दूं, इधर कहीं पे यहां लिखता हूं इनसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, इंडोलेंट से मिलता जुलता है भाई, है ना। इंसॉल्वेंट की मीनिंग होती है क्या भाई, जिसके पास पैसे वैसे ना हो, क्या बोलते हैं भाई, पेनीलेस बोलते हैं उसको, पेनीलेस बोल दोगे या फिर पेन्यूरी बोल दोगे, ठीक है, पेनीलेस, पेन्यूरी, है ना, कैन नॉट पे द डेब्ट, एग्जैक्टली क्या बोलोगे उसको, बैंकरप्ट बोलोगे उसको, क्या हो चुका है भाई, दिवालिया बोलते ना, दिवालिया घोषित कर दिया गया है बैंक, है ना, जैसे विजय माल्या दिवालिया घोषित हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग जो नाम आपने सुने थे वो बैंकरप्ट हो चुके थे, इंसॉल्वेंट हो चुके थे, पेनीलेस, पेन्यूरी, लगातार ये वर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमने सिर्फ देखो वोकैबुलरी तो बहुत ज्यादा है यार, 6-7 हज़ार आप वर्ड्स अगर याद कर लो ना तो कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उतना याद करो जो आपके पेपर में आता है, दिखता है, सिर्फ उतना करने की जरूरत है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई, आपने यहां से करेक्ट आंसर पिक कर लिया, इसका आंसर करें भाई, इसका, हाँ बढ़िया भाई राकेश, बैंकरप्ट, प्रिंस वर्मा बैंकरप्ट, ड्रीम वन गुड मॉर्निंग भाई, अजय दिवालिया, ठीक है। सेशन को लाइक भी कर दे भाई, शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें भाई, कुछ तो मोटिवेशन दो हमें, हैं, हमें भी तो मोटिवेट करो। चलो आंसर करो भाई, क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ गुड मॉर्निंग अनूप, गुड मॉर्निंग शारन एम, ए राकेश, ए एम एस ए, ओके गुड मॉर्निंग अजय ए, प्रियांशु ए, प्रिंस वर्मा ए, केसी ए, फर्स्ट वन राकेश बर्मन सेट ए, सागर कुमार ए, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है, तोमर कविता ए, ऑलमोस्ट आंसर आ रहे हैं भाई, आंसर आ रहे हैं आपके, नितेश रंजन ब्लॉगर ए, ड्रीम वन ए। चलो क्या कह रहे हैं, समझते हैं, ठीक है भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं, तोमर कविता ए, सागर कुमार ए, ठीक है भाई। चलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स, क्या ढूंढना है भाई हमें, क्यों जरूरी है वोकैबुलरी। देखो आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, अपन सुन लेते हैं भाई कि इंसॉल्वेंट, अपन सुन लेते हैं क्या कि हाँ भाई ड्रिवन, ठीक है सर फर्स्ट वाला होगा, हाँ बिल्कुल इंसॉल्वेंट सुन लिया हमने, डॉर्मेंट सुन लिया हमने, स्लगी सुन लिया, लैंग्विज सुन लिया, लैगार्ड सुन लिया, लेकिन इसको लिखते कैसे, इसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि स्पेलिंग के भी तो एरर आ रहा है ना आपके पेपर में, राइट। अब देखो ये आपके सामने स्टेटमेंट है, आई कैन नॉट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनी वन,
आई कैन नॉट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनी वन, ये स्टेटमेंट है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ वर्ड जो है वो क्या है भाई, मिस स्पेल्ट है। ठीक है, क्या एक सिंगल वर्ड मिस स्पेल्ट है या फिर कई सारे हैं? देखो जरा, एक तो लिखा है यहाँ पे पिक्चर, तो पिक्चर की स्पेलिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई? ठीक है, और पिकिंग, पिकिंग की स्पेलिंग आपको क्या क्या पता है भाई? ये है पिकिंग, राइट। तो भाई फाइटिंग ठीक है, एफ आई जी एस टी आई एन जी, फाइटिंग की स्पेलिंग ठीक है, एनी वन ठीक है, पिकिंग भी ठीक है। चलो अब हम सर्च करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे भाई, पिक्चर को ही सबसे पहले सर्च करेंगे। पिक्चर देख लो, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है पी आई सी टी यू आर ई, यहाँ पे नहीं आ रहा है, हट गया, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो तीनों कट गए भाई, तीनों कट गए, आंसर आपका ए करेक्ट हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन है मेरा, मेरा डाउट है जरा सा, इसको क्लियर करेंगे। पिकिंग ऑन, पिकिंग ऑन मतलब क्या, यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, पिकिंग ऑन मुझे चाहिए इस फ्रेजल वर्ब की मीनिंग, क्या मतलब है भाई? सेंटेंस तो आपने रीड कर लिया, क्या सेंटेंस की मीनिंग समझ आई? क्या सेंटेंस की मीनिंग समझ आई कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है? बिना मीनिंग समझे आप एक बार आंसर कर सकते हो, दो बार आंसर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो, तो मीनिंग समझते हुए भी चले। ठीक है, आई कैन नॉट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनी वन, मुझे चाहिए इस फ्रेजल वर्ब की मीनिंग, क्या मीनिंग होगी भाई इस फ्रेजल वर्ब की? फटाफट आंसर करेंगे। हाँ भाई जाएं, कोचिंग जाएं भाई। पिकिंग ऑन की मीनिंग बताएं जी, किसी पर उंगली करना ठीक है, पहचानना, पहचानना, अच्छा ठीक है, और पिकिंग ऑन फ्रेजल वर्ब है भाई, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जिसको आप पिकिंग ऑन को पिक ऑन भी बोलते हो। अब मीनिंग क्या होती है भाई पिक ऑन की, पिक ऑन या पिकिंग ऑन की मीनिंग क्या होगी वो समझो जरा। ये एक फ्रेजल वर्ब है, टू कंडेम ये बोल सकते हो क्या? टू कंडेम, टू कंडेम समवन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपसे। हाँ जी शिवानी गुड मॉर्निंग, ठीक है, हाँ पॉइंट आउट नहीं, पॉइंट आउट नहीं कह सकते, पिक ऑन का मतलब होता है, ध्यान से समझो आप, या पिकिंग ऑन का मतलब क्या होता है, देखो जो स्टेटमेंट है उसकी मीनिंग क्या है भाई, सिंपल सी मीनिंग है क्या कि आई कैन नॉट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनी वन, मैं उसका मतलब, मैं उसको मतलब पोर्ट्रे नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या करता है भाई, कि वो फाइटिंग करता है या फिर दूसरे को पिकिंग ऑन करता है। पिकिंग ऑन एनी वन का मतलब सिंपल इतना होता है, जो कि प्रपोजिशन है टच ऑन, जो कि प्रपोजिशन है टच, नहीं समझ आया भाई ड्रीम वन क्या कहना चाहते हो। पिकिंग ऑन समवन या पिकिंग ऑन एनी वन की मीनिंग बिल्कुल सिंपल होती है, क्या कि भाई आप सामने वाले को क्या करो, बार बार बुली कर रहे हो, बुली करना समझते हो ना, टू बुली समवन, क्या बोला मैंने, टू बुली समवन, किसी को लगातार बार बार बुली कर रहे हो, है ना, टू बुली समवन राइट, उसी को बोलते हैं टू कंडेम समवन अगेन एंड अगेन, बार बार उसको क्या करो, कंडेम कर रहे हो। ठीक है, फॉरगिव नहीं आएगा, कंडेम ही आएगा भाई शिवानी। ठीक है, सो पिक ऑन की मीनिंग समझ आ गई, फ्रेजल वर्ब भी अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला आपके स्क्रीन पर है भाई, आंसर करेंगे निमाई, ओके आंसर करें भाई। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, हाँ भाई राकेश बर्मन सेंसर बोलते हैं, लाइक एंड शेयर कर दे, मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम लाइक करें भाई, जितना पॉसिबल हो सके। चलो आंसर करोगे इसका, राकेश बी, नितेश रंजन सी, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, पवन कुमार हैंगरी, हैंगरी की स्पेलिंग गलत लिख दी आपने पवन। शिवानी सिंह कौशियस, ओके, और आशा पहारीवाल बी, केसी सी, ओके, ड्रीमन सर क्या सी हो सकता है, देखते हैं भाई ड्रीमन सी हो सकता है या नहीं हो सकता। राकेश बर्मन तृप्ति, अनूप सोनी ए, प्रिंस वर्मा सी,
तोमर कविता कविता बी, ओके, अरुण सागर कौशियस, प्रियांशु राज बी, कौशियस, ठीक है चलो समझते हैं भाई क्या हो सकता है। हेलो आराध्या, पवन कुमार हंगरी, नरसिंह मंदे टार्डी रियलिस्टिक, गुड मॉर्निंग। हाँ आराध्या गुड मॉर्निंग, अरुण सागर कौशियस, ठीक है चलो। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट देखना जरा, इट इज इररिलेवेंस स्टेटमेंट। देखो अब मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने की बारी आ गई, मीनिंग को समझने की बारी आ गई, तब अपन इसमें से चार में से कोई एक ऑप्शन पिकअप कर पाएंगे, आसानी से पिकअप कर पाएंगे, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब अपने को मीनिंग समझ आ गई, ठीक है। कह रहा है इट इज इररिलेवेंस, इररिलेवेंस मतलब बेकार है भाई, ये हमारे लिए क्या है, बेकार है क्या, एटलीस्ट टू मी, चलो मेरे लिए एटलीस्ट तो बेकार ही है, क्या बेकार है, वेदर द ग्रांट वॉज, ग्रांट मतलब क्या, जो मनी बताई गई, जो मनी आपको मिली है उसके बारे में बातचीत चल रहा है, वेदर द ग्रांट या फंड कह सकते हो, वॉज इम्प्रोविडेंट और नो, इम्प्रोविडेंट और नो, ठीक है। एटलीस्ट ये मेरे लिए क्या है, बेकार ही है कि जो पैसा मिला है, जो ग्रांट हुआ है, वो क्या है, इम्प्रोविडेंट है या फिर नहीं है। इम्प्रोविडेंट का मतलब ये हो गया, इम्प्रोविडेंट, अच्छा इम्प्रोविडेंट की मीनिंग पता होनी चाहिए, और इम्प्रोविडेंट से मिलता जुलता एक वर्ड है आपके पास, इम्प्रोविस, इम्प्रोविस, ठीक है, दो वर्ड है भाई, इम्प्रोविस है और इम्प्रोविडेंट है। इम्प्रोविडेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, टू स्पेंड केयरलेसली, ठीक है, टू स्पेंड केयरलेसली, मनी के सेंस में ये बात बोली जाती है ना, कि आप किसी भी पैसे को आप कितने केयरलेस तरीके से, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, बिना फ्यूचर को सोचे बिना कितने केयरलेस तरीके से उसको खर्चा कर दो, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से उसको खर्चा कर दो, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। मीनिंग अंडरस्टूड हो गई। हमें क्या ढूंढना है भाई, एंटोनिम ढूंढना है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट से पहले आप क्या पढ़ लिया करो भाई, डायरेक्शंस को भी पढ़ लिया करो, इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लिया करो, तब आप अप्रोप्रिएट आंसर को पिकअप कर पाओगे, चूज कर पाओगे। अब आपको पता चल गया इम्प्रोविडेंट की मीनिंग। दूसरा वर्ड है भाई क्या, इम्प्रोविस, इम्प्रोविस की मीनिंग क्या होती है भाई, पुअर, गरीब, है ना, गरीब होता है भाई इम्प्रोविस की मीनिंग। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करेंगे, खुद को कन्फ्यूज नहीं करेंगे, राइट, चलो दोनों मीनिंग आपको समझ आ गई। अब अपने सामने चार ऑप्शन है भाई, इम्प्रोविडेंट की मीनिंग होगी क्या, पैसे को केयरलेसली खर्चा करना, राइट, स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, बिल्कुल, इसकी जो सिनोनिम हो जाएगी वो स्पेंड थ्रिफ्ट भी हो जाएगी, कैसी, स्पेंड थ्रिफ्ट, चलो जी, राइट। अब अपने सामने चार ऑप्शन है, टार्डी की मीनिंग क्या होती है, टार्डी की मीनिंग पता हो तब तो हम आंसर कर पाए, टार्डी की मीनिंग क्या होती है भाई, टार्डी की मीनिंग होती है एक्ट स्लोली, है ना, या मूव स्लोली, धीमे धीमे काम करना, धीमे धीमे रिएक्ट करना, राइट। थ्रिफ्टी क्या होता है, थ्रिफ्टी होता है भाई टू स्पेंड केयरफुली, केयरफुली, आप जो पैसा खर्च करो वो बिल्कुल केयरफुल तरीके से खर्चा करो, आपको पता है कितना अमाउंट कहाँ देना है, ठीक है, तो वो होता है भाई थ्रिफ्टी। कॉशियस क्या होता है भाई, टू डू विथ ग्रेट केयर, है ना, बिल्कुल सावधानी से कोई काम करना, उसको बोलते हैं कॉशियस, है ना। और हंगरी आपको पता है भूखा, है ना सर, इंग्लिश पढ़ने आता है बट उसका मतलब क्या हुआ ये नहीं आता है, सो क्लोज टेस्ट नहीं बनता है। शिवानी सिंह, फंडामेंटल पे काम करें आप, अपने फाउंडेशन पे काम करें, वोकैबुलरी और ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखें, ना कि रूल सीखें। रूल में बिलीव करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बचपन से रूल सीखा है आपने, नाउन तो बचपन से पढ़ा है, प्रोनाउन बचपन से पढ़ा है, नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है, राइट। चलो तो आंसर आपको समझ आ गया क्या होगा भाई, थ्रिफ्टी होगा आंसर, बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाकी तो गलत हो गया भाई। और इसी के साथ साथ आप वोकैब भी सीख रहे हो, वोकैबलरी को बिल्ड भी कर रहे हो अपनी, कि क्या वर्ड्स क्या मीनिंग दे पा रहे हैं, राइट, डन है। एंटोनिम फिगर आउट करना था, हमने एंटोनिम फिगर आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, मैक्सिमम शेयर कर दे भाई, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो शेयर करें और जितना पॉसिबल हो लाइक करें, कुछ तो मोटिवेशन हमें भी दो आप लोग, है ना, सुबह उठने का। ठीक है भाई, ये पिछली पिछला जो क्वेश्चन था वो समझ आ गया हो तो इसका आंसर कर लें फटाफट। शारण एम डी, अनुप सोनी, राकेश बमन डी, ठीक है, सिनोनिम बताना इस वाले में, इस वाले में क्या बताना भाई, सिनोनिम बताना है। केसी चांस, प्रियांशु डी, अरुण डी, 3247 चांस,
तोमर, कविता जी, आशा पहरीवाल, बी रैंडम होगा अनुप सोनी, रैंडम स्पेलिंग गलत हो गई, एम एस फार्मेसी, डी ड्रीम वन, डी ठीक है भाई। सोनू कुमार यादव, हाय हेलो, ठीक है। अजय, बी सडन रैंडम बाई चांस, हाँ जी ठीक है। आंसर सभी के बेहतर है भाई, सभी के बेहतर है। रैंडम मतलब होता है कि आपने कोई चीज रैंडमली करी है तो भाई चांस ही करा। एम डी सौरभ, बी एस एफ, गुड मॉर्निंग भाई, महस भाई, पवन सो चांस, ठीक है। प्रीतम, बी ठीक है। तो रैंडम की मीनिंग क्या होती है भाई? चांस होता है भाई। रैंडम की मीनिंग कैसे चांस होगा भाई? कि आपने कोई चीज रैंडमली पिक करी ना, कोई चीज आपने कैसे पिक करी भाई? रैंडमली पिक करी, रैंडम मतलब बाई चांस वो चीज आपने पिक कर ली, आपका इंटेंशन नहीं था। रैंडम पिक करने का मतलब आपने बाई चांस उस चीज को पिक करा, ठीक है। आपने बिल्कुल डिलिबरेटली उस चीज को पिक नहीं करा, जानबूझ के पिक नहीं करा, समझ आई बात? तो यहाँ पे डेफिनेट मतलब भाई निश्चित होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिस्टमेटिक नहीं। क्या आंसर आएगा भाई यहाँ पे? सिनोनिम, चांस आएगा। सभी के आंसर बेहतर थे भाई, शिवानी सिंह, चांस, ठीक है। मैथ, डी, चलो बढ़िया, सभी का आंसर बेहतर है भाई। गौरव कुमार, डी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला है भाई, ईडियम्स है भाई, ईडियम्स आंसर करें। आंसर करेंगे भाई, रितेश रंजन, ए शरण, ए एम एस, ए प्रिंस, अनुप सोनी, ए गौरव कुमार, डी अरुण सागर, ए आशा पारिवाल, ए केसी, ए प्रिंस वर्मा, डी अनुप सोनी ओनली, ए प्रियांशु राज, ए राकेश बर्मन, ए 3247, डी ड्रीम वन, ए। ठीक है, कुछ के डी ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ के ए आ रहे हैं। अच्छा, शिवानी के सी आ गए, चलो। और बी भी मार्क कर लो ना, मैं बोल रहा हूँ बी भी मार्क कर लो, सारे ऑप्शन हो जाएंगे भाई। हैं, ए और डी में कंफ्यूजन हो गया है सर, एम एस, कोई नहीं, अभी दूर कर लेते हैं भाई कंफ्यूजन, मिल बैठ के बात कर लेते हैं क्या कंफ्यूजन है। गौरव कुमार, इन एवरी पॉसिबल वे, ओके। प्रीतम मंडल, क्या है भाई? ए, चलो। तोमर, कविता, ए, गुड। जो आप पढ़ाते हैं तो इंग्लिश समझ में आती है जी, थैंक यू, आनी चाहिए। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए फाउंडेशन का बैच लाऊंगा, और उस फाउंडेशन के बैच में आप ये समझ पाओगे कि आप हर एक सेंटेंस को इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे, अगर उसने आपने वो फाउंडेशन का बैच देखा, समझा, अंडरस्टूड करा ना, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना, कि आप देख पाओगे कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे उन चीज़ों को देखते हैं, लैंग्वेज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कनेक्ट कर पा रही है, राइट। तो वो आपका संकट जो है ना, कि हाँ सर रीड तो कर लेते हैं लेकिन आंसर फिगर आउट नहीं होता, वो उसके बाद खत्म हो जाएगा, राइट। आ जाओ यहाँ पे, क्या कह रहा है? थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब क्या होता है भाई? थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है कि आई वेंट थ्रो थिक एंड थिन टू अचीव दिस सक्सेस, बिल्कुल कैसी, ठीक है। थ्रो थ्रो थिक एंड थिन की मीनिंग क्या होती है भाई? पहली तो बात ये एडियम है, थिक मतलब थिक से याद रखो क्या? डेंस, डेंस से याद रखो दुख, है ना, जैसे भी आप इसको निकाल पाओ। तो थ्रो थिक एंड थिन की मीनिंग होती है थ्रो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या? सिंपल सा मतलब है कि खुशी में भी और दुख में भी, क्या? खुशी में भी और दुख में भी, ठीक है। चाहे जिंदगी की किसी भी मोड़ पे रहा हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा हूं, ऐसा मतलब निकल के आ रहा है। थ्रो एंड थिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई क्या, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे भी टाइम में और बुरे भी टाइम में, ठीक है। इसकी मीनिंग सिंपल इतनी है, इन गुड एंड बैड टाइम्स, या फिर दूसरा बोलोगे क्या, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में। सो करेक्ट आंसर आपका था भाई ए, क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, ए को मार्क कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, सभी के आंसर ठीक थे, बस एक दो लोगों के नहीं ठीक थे, एक दो लोगों के नहीं ठीक थे, किसी ने डी मार्क करा था और किसी ने कुछ सी, भाई सी भी मार्क करा था किसी ने, राइट। तो एक बार चेक कर लें आपको समझ, क्योंकि ईडियम्स ये है भाई कि फंडा ये है ईडियम का कि आपको मीनिंग बिल्कुल डेप्थ में जाके अंडरस्टूड करनी होती है ना। तो बेसिक आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप ईडियम को कर पाओगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
क्लियर, गुड, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट, डिलिबरेटली एंड मेलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स, समथिंग मतलब आप दे रखा है क्या, बिल्डिंग्स यूजली ऑन फायर। शॉर्टन एम बी, एम एस बी, प्रिंस बी, अनुप सोनी बी, तोमर कविता बी, नितेश रंजन बी, केसी अर्शोन, प्रियांशु राज बी, गौरव कुमार बी, अरुण सागर अर्शोन। ठीक है भाई, और बाकी लोग भी आंसर करें। गौरव कुमार अर्शोन, अरुण सागर अर्शोन, ठीक है, सभी के आंसर बेहतर आ रहे हैं, सभी बेहतरीन भाई, बेहतरीन मतलब मजा आ गया है ना, कमाल हो। बी राकेश बी, सभी के आंसर बेहतर है भाई। ठीक है चलो, मतलब आप जान मुझ के, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है भाई, प्लांट। डेलिबरेटली की मीनिंग क्या होती है भाई, हमेशा आपको जब भी डेलिबरेटली सिनोनिम में आया तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा सिनोनिम में प्लांट, ठीक है। सो डेलिबरेटली का मतलब होता है जान बुझ के, प्लान करके, ठीक है। मेलिशियसली का मतलब क्या होता है, मैलिस से बना है भाई, मैलिशियसली, मैलिशियसली का मतलब होता है टू कंडेम समवन या फिर टू हैव डिजायर टू हार्म समवन, किसी को हार्म करने के अपने मन में डिजायर रखना, वो होता है मैलिशियसली, राइट। तो जान बुझ के मतलब किसी से नफरत में, किसी से गुस्से में आप क्या करो, उसके बिल्डिंग को, उसके घर को क्या कर दे रहे हो भाई, आग के हवाले कर दे रहे हो। तो इसको इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड क्या बोलेंगे भाई, अर्सून। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अरे सॉरी, अगला क्या है भाई, अच्छा जो ए है भाई वो लिखा हुआ है अग्रेरियन। अग्रेरियन की मीनिंग क्या है भाई, अग्रेरियन की मीनिंग होती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। किससे रिलेटेड भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भाई। एम्बुस, एम्बुस मतलब क्या होता है भाई, एम्बुस, एम्बुस मतलब होता है सडन अटैक, सडन अटैक बोल सकते हो इसको, ठीक है। अपेक्स की मीनिंग क्या होती है, अपेक्स की मीनिंग होती है टॉप, या फिर क्रेस्ट भी बोल सकते हो इसको, दूसरी मीनिंग आप क्रेस्ट दे सकते हो, राइट। हाँ रूरल भी होता है भाई अग्रेरियन का, टॉप क्रेस्ट, एक्मे भी बोल सकते हो, इसके अलावा आप जेनिथ बोल सकते हो, टॉप की अपेक्स की मीनिंग जेनिथ, इसके अलावा आप पिनेकल भी बोल सकते हो, पिनेकल मतलब भी होता है अपेक्स, राइट। सो ये वर्ड्स आप अपेक्स के सिनोनिम में बिठा सकते हैं, अपेक्स के सिनोनिम में ये सारे वर्ड्स आप बिठा सकते हो, आराम से बिठा सकते हो। बिल्कुल कैसी, पिनेकल, अरुण सागर पिनेकल, बिल्कुल पिनेकल इधर है, ठीक है चलो। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, एग्जैक्टली राकेश, जेनिथ, तोमर कविता, बढ़िया। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ओ माय गुडनेस, दिस इज क्लोज टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए क्लोज टेस्ट है भाई, आंसर करेंगे, रीड करेंगे, आंसर करेंगे। हाँ जी आंसर करें, रिलैप्स्ड, केसी सेड रिलैप्स्ड, ओके। और अरुण सागर ए, ओके, गौरव कुमार डी, शारण एम डी, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ए और डी दो ऑप्शंस आ चुके हैं भाई, बाकी रीड करें, ध्यान से रीड करें, क्लोज टेस्ट है, अपने आप को अंडरस्टूड करने का मौका देता है भाई। रिलैप्स्ड एम डी, सौरभ, नितेश डी, ठीक है, ए और डी, अभी भी ए और डी में कंपटीशन है भाई, है ना, ए और डी में ही कंपटीशन चल रहा है। एज ए मैप्ड, एज ए मैप्ड, ठीक है भाई, सी भी आ गया, ए सी, अच्छा आशा भी, आशा ए, अनुप सोनी ए, डन,
ए सी और डी तीन ऑप्शन है सर, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्लोज टेस्ट। कोई नहीं, ड्रीम वन विल सी कि क्या है इसमें, ठीक है देखते हैं क्या है, समझ में आएगा। अनुप सोनी रिलैप्स सिस्टिंग सिस्टिंग, ओके सिस्टिंग ठीक है, चलो ठीक है समझते हैं भाई, रीड करते हैं। कर पाएंगे भाई कर पाएंगे, ड्रीमन परेशान ना हो। शिवानी डी और तोमर कविता डी, चलो ठीक है समझते हैं। कह रहा है कि माउंट मेंटप इन नॉर्थ कोरिया हैज नाउ बीन रिपोर्टेड टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कैरिड आउट अंडर इट एट द पंजी री न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑन 3 सितंबर, क्या 3 सितंबर 2017। शिफ्टिंग लिख रहे थे, बिल्कुल कोलैप्स्ड, ठीक है। तो कह रहा है माउंट मेंटेप जो है भाई वो नॉर्थ कोरिया में है, हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, अभी क्या हो चुका है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट से कुछ तो हो गया है उसको। क्यों क्यों ऐसा हुआ है कि अपने ओरिजिनल स्टेट से उसमें कुछ दिक्कत आ गई है क्या? क्योंकि एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वहां पे, कब? 3 सितंबर 2017। अगर मान लो सिंपल सी बात है, किसी माउंटेन के पास से कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि कोई भी आंसर करने से पहले पूरी पूरी बात पढ़ लिया करो। क्लोज टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप पूरी बात पढ़ लो फिर आप पिकअप करो अपने आंसर को। आगे बढ़ो, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डैश अ स्पेशल सेटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड क्या सिंथेटिक अपरेचर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट। अब आपको पता चला कि ब्लास्ट हुआ था उस न्यूक्लियर जो टेस्ट था उसमें ब्लास्ट हुआ था, और उसकी वजह से जो ये था माउंट मेंटप वो क्या होता भाई, रिपोर्ट किया गया था कि वो कुछ अपने ओरिजिनल स्टेट से कहाँ आ गया होगा भाई। अब मीनिंग समझते हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने। रिलैप्स्ड की मीनिंग क्या होती है? रिलैप्स्ड की मीनिंग होती है भाई कि वर्सेन होना, खराब होना, या फिर सिंपल सी बात है गेट इल, है ना गेट इल, या फिर गॉट इल मतलब दोबारा से बीमार हो जाना, उसको बोलते हैं रिलैप्स्ड। क्लैप्स की मीनिंग क्या होती है? क्लैप्स की मीनिंग होती है भाई ग्रैप करना, किसी चीज को आप ग्रैप कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, ग्रैप करो या फिर होल्ड कर रहे हो टाइटली, उस चीज को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रहे हो, राइट। दो मीनिंग आपको समझ आ गई भाई। तीसरी मीनिंग मैप्ड है, मैप्ड की मीनिंग क्या होती है भाई? चार्ट बनाना, मैप समझते हो ना, चार्ट होता है भाई। और लास्ट का जो वर्ड है वो है कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मतलब क्या होता है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिमोलिश कह सकते हो, उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड बनेगा वो डिमोलिश बनेगा, है ना डिमोलिश, राइट। सो एक बात बताओ, जब उसके अंदर ब्लास्ट हुआ होगा तो जो माउंट मेंटप का कोई पार्ट होगा वो क्या होगा, वो डिमोलिश ही हुआ होगा ना। सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं गेसिंग, ओके ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, राइट। कोलैप्स की मीनिंग क्या होती है भाई? डिस्ट्रॉय करना या फिर डिमोलिश करना। तो एक बात बताओ, जब ब्लास्ट हुआ होगा तो वो कोलैप्स कर गया होगा ना, वो जो माउंटेन है वो क्या हो गया होगा भाई, वो कोलैप्स हुआ होगा ना। टू हैव कोलैप्स्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो उसका ओरिजिनल शेप होगा उससे वो क्या हुआ होगा भाई, कोलैप्स हुआ होगा। ऐसा थोड़ी कि वो बीमार हो गया होगा या उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, नहीं ठीक है, या फिर उसने टाइटली किसी ने उसको पकड़ रखा होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ये मीनिंग तो वैसे ही खत्म हो गया, इसलिए जरूरी आपकी वोकैब पे अपनी कमांड रखना। डन है, डन है भाई, 21 समझ आ गया भाई सभी को, 21 डन, बिल्कुल सिंपल है भाई 21। मीनिंग को बस अंडरस्टूड करना था वहां पे पिकअप करने के लिए। अरे हाँ ना, थम्स अप वगैरह कुछ तो बोलो, है समझ आया 21? नहीं आया, हाँ डन डन सेट, अच्छा अनुप सुनी डन, प्रिंस वर्मा डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चलो। एन इंटरनेशनल लॉन्च कहाँ है, दिखा लग कैसी, इसमें लॉन्च किधर लिखा है? तोमर कविता, ठीक है भाई ठीक है, यहां ध्यान दो। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डैश अ स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड, अच्छा स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट विच डैश अ 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, है ना सर? हम तो क्लोज टेस्ट को पढ़ने वाले ही दिया था,
बड़े वाला हिंट दिया था, यूज्ड आंसर आ रहा है भाई, केसी यूज्ड, शरण बी तोमर कविता यूज्ड नहीं है सर। हाँ भाई किसी नहीं है, अनुप सोनी ए, अरुण सागर यूज्ड, प्रिंस वर्मा बी, स्टडी 247 यूज्ड। चलो भाई आंसर आई थिंक आ रहे हैं आपके, सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो कुछ इंटरनेशनल टीम थी जो साइंटिस्ट की, वो वहाँ पे स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग को उसने यूज़ करा होगा ना, क्या करने के लिए भाई, उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए, जो इफेक्ट्स आए होंगे उसके ब्लास्ट के, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कि जो स्पेशल क्या सैटेलाइट रडार इमेजिंग है जो, और क्या सिंथेटिक अपर्चर और ये सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुए होंगे भाई वहाँ पे यूज हुए होंगे, तो यूज हुए होंगे तो भाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यूज होगा, फ्रेम्ड नहीं होगा। अर्क करना मतलब क्या होता है भाई, अर्क करना मतलब क्या होता है भाई, अर्क करना मतलब टू से समवन और टू परसुएट समवन, ठीक है, और डिड्यूस की मीनिंग क्या होती है, डिड्यूस की मीनिंग बताएंगे भाई आप जरा, डिड्यूस की मीनिंग बताएंगे, ये प्यारा वर्ड है भाई, ठीक है, अर्क तो पता है ना, अर्क करना मतलब किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ कहना या फिर किसी को परसुएट करने के सेंस में आप अर्क का यूज करते हो, तो इसकी मीनिंग तो पता है, और फ्रेम करना आपको पता है कि कहानियां फ्रेम करते रहते हो आप, जैसे क्या आप कहानियां अच्छी अच्छी फ्रेम कर लेते हो, आपको पता ही है, तो फ्रेम करना वो हो गया, बनाना, फ्रेम करना, मेक करना, विनती, अर्क, हाँ भाई अर्क की तो ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये कि डिड्यूस की मीनिंग क्या होगी, जब भी कुछ नया वर्ड दिखे तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उन वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टूड करो, वोकैबलरी पे ही काम करना है, अगर वो कैब आता रहता तो ये आंसर नहीं कर पाते आसानी से। डिड्यूस की मीनिंग होती है सिंपल क्या, कंक्लूड करना, क्या करना भाई, कंक्लूड करना, कंक्लूडेड मतलब लॉजिकली आप कोई चीज रीड करके उसके आंसर तक पहुंच पा रहे हो, पता लगाना, कंक्लूड करना है, बिल्कुल उसको बोलते हैं डिड्यूस करना, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 22 का बी है, 22 का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते भाई, अगला क्वेश्चन है भाई 23 है ना, 23 आंसर करो, ठीक है आंसर करेंगे, देख लो भाई ऑप्शंस भी देख लो, कॉस्ट, शारन सी, और प्रिंस वर्मा सी, अरुण सागर कॉस्ट, राकेश सी, ठीक है तोमर कविता सी, और हाँ साइड हो गया भाई, शिवानी में साइड हो गया, चलो ठीक है कॉस्ट आंसर आ रहे हैं भाई, आशा पहारीवाल आंसर आ रहे हैं सभी के, सिंपल सी बात है कि वो लोग ये सारी चीजें लेके गए होंगे, ठीक है, तो जो ब्लास्ट था उसके इफेक्ट को, ठीक है, जिसकी वजह से विच यूज हुआ ना, जिसकी वजह से उस ब्लास्ट की वजह से ना, विच 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जिसकी वजह से उस ब्लास्ट की वजह से रीजन दे रहा है वो, उसकी वजह से क्या आया भाई, 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो उसको क्या करना होगा भाई, उसकी वजह से आया ना तो वो रीजन बन रहा है ना, ये कौन रीजन बन रहा है भाई, ये ब्लास्ट रीजन बन रहा है, तो विच कॉज्ड मार्क करेंगे भाई यहाँ पे, कॉज्ड कि जिसकी वजह से ये हुआ, तो ऑल्टर करना मतलब क्या, किसी चीज को ऑल्टर कर रहे हो मतलब उसको थोड़ा सा क्या कर रहे हो भाई, रिचेंज कर रहे हो, ठीक है। सो ऑल्टर नहीं आएगा, निगलेक्ट मतलब इग्नोर करना, निगलेक्ट क्या होता है भाई, इग्नोर, या फिर एक प्यारा वर्ड है इसके लिए आप ओवरलुक मार्क कर सकते हो, ओवरलुक करना मतलब क्या, अवॉइड करना या फिर इग्नोर करना, ठीक है, अवॉइड करना या फिर इग्नोर करना, ओवरलुक करना मतलब, राइट राइट ठीक है। कॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है, रीजन बन रहा भाई, कि ब्लास्ट क्या था, रीजन था उस 5.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का, तो रीजन मार्क करना था, लॉस्ट यहाँ पे होगा नहीं, सो करेक्ट, हाँ ऑल्टर करना, चेंज करना, बिल्कुल डन। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें, हाँ सभी के आंसर सही हैं भाई, जिन्होंने कॉज करा, आशा सी, शिवानी सी, अनूप सी, तोमर कविता सी, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24 भाई,
ओके मेरा एक क्वेश्चन है, कौन कौन चाहता है कि फाउंडेशन की बैच आए? फाउंडेशन मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से हम सारी चीज़ें पढ़ें, और ऐसे पढ़ें कि उसके बाद से हमें कभी कोई भी पेपर देना हो, इवन अगर आप यूपीएससी सी सेट की बात करते हो, सी सेट आई सेट, या फिर आप बैंकिंग की बात करते हो, बैंकिंग में भी आईबीपीएस या फिर आरबीआई ग्रेड बी लेवल की बात करते हो, तो उसका भी लैंग्वेज का जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आप आसानी से कर पाओ। तो इस वजह से मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप कौन, मतलब कितने लोग ये चाहते हैं कमेंट करके बताएं कि फाउंडेशन की बैच आए, फाउंडेशन लैंग्वेज के फाउंडेशन की बैच, बिल्कुल जीरो से सारी बातें इस तरीके से कि आप बिल्कुल उसको अंडरस्टूड कर पाओ जैसे हिंदी अंडरस्टूड कर पाते हो, तो वो जरा कमेंट करके बता देंगे एक लोग, सभी लोग बेसिकली। शिवानी सिंह सर, मेरा 14 को एमटीएस का एग्जाम है, पता नहीं चल रहा है क्या पढ़े क्या छोड़े, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें बस, जो प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट करा दिए जा रहे हैं, केसी आउटवर्ड्स, प्रिंस डी, राकेश बर्मन डी, तोमर कविता डी, अरुण सागर आउटवर्ड्स, रक्षाबंधन ऑफर के साथ, ओके प्रिंस वर्मा, यस सर, नितेश डी, डी अनु सोनी, ठीक है भाई, चलो चलो जी, रक्षाबंधन ऑफर चाहिए, ठीक है। ठीक है, डी डिस्काउंट के साथ चाहिए, ओके सर जी, जी ठीक है, चलो भाई शिवानी, सभी के आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर आ चुके हैं, देख लेते भाई, ठीक है, ओके। तो एक बात कह रहा है यहाँ पे कि द सर्फेस ऑफ द माउंटेन, द सर्फेस ऑफ द माउंटेन वॉज पुश्ड डैश बाई ऑलमोस्ट 11 फीट एंड देन कोलैप्स्ड, है ना, और उसके बाद मतलब क्या हो गया भाई, गिर गया। तो सिंपल सी बात, अपने सामने चार ऑप्शन है भाई, ठीक है, चार ऑप्शन है, और जो सरफेस ऑफ द माउंटेन है, जो माउंटेन का सरफेस है, वो क्या हुआ भाई, पुश्ड हुआ, कहाँ पुश्ड हुआ होगा, अंदर की तरफ तो पुश नहीं होगा, बाहर की तरफ पुश होगा, और बाहर की तरफ पुश होने के लिए उसको क्या बोलते हैं भाई, आउटवर्ड्स बोलते हैं, तो पुश्ड आउटवर्ड्स करेक्ट आंसर तो डी है आपका, वो तो ठीक है कि आपने डी मार्क करा, लेकिन आपके सामने चार ऑप्शन और भी है। अलाइन की मीनिंग पता ही आपको, अलाइन अरेंज करना, तो अलाइन तो नहीं जानना, कन्फाइन मतलब रोकना रिस्ट्रेन करना, ये भी नहीं जानना, लेकिन वे वर्ड की मीनिंग क्या होती है, वे वर्ड की मीनिंग क्या होती है भाई, वे वर्ड किसको बोलते हैं, वेवार्ड, WAYWARD, वेवार्ड, बताएं जरा, वेवार्ड की मीनिंग बताएं, बोलो भाई, वेवार्ड की मीनिंग बताओ। आंसर तो ठीक है कि आउटवर्ड्स आपने मीनिंग को अंडरस्टूड करा कि माउंटेन थोड़ा सा पुश हुआ होगा तभी कोलैप्स किया होगा, तो पुश होने के लिए वो थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, माउंटेन अंदर की तरफ थोड़ी जाएगा, तो बाहर के लिए आपने आउटवर्ड्स लगा दिया, ठीक है। वेवार्ड डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड होना, केसी सेट, ओके। और किसी को पता है वेवार्ड की मीनिंग, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा वो मीनिंग निकल कर आएगी वेवार्ड की, है ना, ठीक है, पाथ, नहीं जी, वेवार्ड की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखो, वेवार्ड की मीनिंग होती है डॉग्ड, ठीक है। दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है भाई, स्टबन, है ना, स्टबन, ठीक है, डॉग्ड, स्टबन, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, स्टबन बोला ना, स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, है ना, डॉग्ड, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, स्टबन, ये आपके सिनोनिम्स हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो सकते हैं, और भी आप वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना, रिजिड यूज कर सकते हो, फर्म यूज कर सकते हो, है ना, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, हाँ जिद्दी, ठीक है। सो वे वर्ड उसमें आप शामिल कर, हाँ डिटरमाइन, बिल्कुल वे वर्ड भी इसमें बैठा लें भाई, इसके सिनोनिम में आप वे वर्ड को भी बैठा लें, राइट, आप देख पा रहे कितना अलग हटके मीनिंग निकल कर आई भाई इसकी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, है ना। इस वजह से जरूरी है भाई कि आप अपने वोकैब पे काम करें, अपने वोकैब पे काम करें भाई, ठीक है। चलो टेनासियस, बिल्कुल टेनासियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेनासियस, चलो स्टर्न, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल अनुप सोनी, स्टर्न भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। आंसर करेंगे भाई, ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, डन, चलो नेक्स्ट का आंसर करो, शॉर्टर, केसी सेट, शॉर्टर, ओके
शारण एम बी, राकेश बमन डी, प्रिंस वर्मा बी, तोमर कविता बी, ठीक है। राकेश का डी आया है, बाकी सबका बी, ठीक है। नितेश बी, चलो और फटाफट आंसर करें जी, फटाफट आंसर करें। ठीक है चलो समझते भाई क्या बोल रहा भाई, कि बाई ऑलमोस्ट द सरफेस ऑफ द माउंटेन वाज पुश्ड, क्या भाई आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड पुश हुआ, ये बात तो समझ गई। बाई ऑलमोस्ट 11 फीट, 11 फीट तक वो बाहर की तरफ निकल गया, एंड देन देन कोलैप्स, फिर कोलैप्स हुआ, लीविंग मतलब छोड़ के द माउंटेन, माउंटेन को छोड़ के अबाउट 20 इंचेस, क्या माउंट को छोड़ के कैसा छोड़ेगा, जब वो कोलैप्स हो गया होगा तो माउंट को कैसे छोड़ा होगा भाई, कि भाई माउंट माउंट जो होगा, अगर वो जो माउंट है वो अगर वो कोलैप्स हुआ, ठीक है, थोड़ा कोलैप्स हो गया, तो बाकी बचा जो माउंट है वो क्या हो गया होगा भाई, जो माउंटेन है वो क्या हो गया भाई, छोटा हुआ होगा ना, छोटा ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी हाइट कम हो गई, क्योंकि 11 फीट तो पहले ही वो बाहर निकल के कोलैप्स हो चुका है, राइट। तो वो मिन वहां पे आपको क्या यूज करना था भाई, शॉर्टर यूज करना था, क्योंकि वो माउंटेन क्या हो गया होगा भाई, शॉर्टर हो गया होगा, क्या हो गया होगा भाई, ना तो ग्रेटर होगा ना प्रॉपर होगा, क्या होगा, शॉर्टर होगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि वो कोलैप्स हुए माउंटेन को छोड़ के ना, लिविंग बोल रहा है, माउंटेन को छोड़ा होगा तो माउंटेन जो होगा अबाउट 20 इंच क्या हुआ होगा भाई, छोटा ही हुआ होगा, उसकी हाइट कम हुई होगी, तो कम हुई के सेंस में क्या लिखोगे आप, शॉर्टर यूज करोगे, शॉर्टर यूज करोगे भाई, डन, समझ आई बात जिन्होंने भी, हाँ बिल्कुल राकेश, डी और सी जिन्होंने आंसर करे थे, बी होगा भाई, मीनिंग आप समझ पाओ कोई भी सेंटेंस रीड करके, बहुत जरूरी है भाई। जिन बच्चों को सीजीएल का मेंस देना है उनके लिए एक न्यूज़ है कि सर मेरा एमटीएस का एग्जाम 1 सितंबर को है, लखनऊ सेंटर गया है, गुड, बढ़िया भाई, बाराबंकी के हो तुम ना अनूप सोनी, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चन में जो अभी आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राहुल ठाकुर है, राकेश बर्मन वर, केसी वर, शिवानी ए, नितेश सी, आई एम अ डॉक्टर, ओके नितेश, ठीक है, आशा पारिवाल वर, पूनम विश्वास ए, ओके, अरुण सागर वर, शिवानी सिंह वर, अनुप सोनी वर होगा, तोमर कविता ए होगा, नितेश रंजन ए होगा, एम एस वर होगा, बिल्कुल। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि अगर हम अपने आप को एज्यूम करें कि, और या फिर हम ये वाला वर्ड होता है ना, काश, काश वाला, काश काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, है ना, जो भी ये वो होता, जो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनके लिए एक फिक्स्ड वर्ब आती है, क्या, वर, इसके बाजू में सब्जेक्ट जैसा भी हो जो वर्ब आएगी वो वर ही आएगी, ये बात पता ना, इमेजिनेशन वाला, यस एग्जैक्टली, ठीक है। जब भी हम इमेजिनेशन करें या फिर हम काश या फिर अगर अगर वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर दिया होता, ठीक है, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा ना, हाँ बिल्कुल इमेजिन कर रहा कि भाई मैं तेरी जगह होता तो मैं ये कर देता, तेरी जगह, कहते हैं ना भाई कि कभी कभी, हाँ कल्पना करना, कि कोई कोई आता है आपके आपके मतलब आपको समझाने की, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता, है ना, वो अपने अपनी बात बता रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो भी आपकी जगह होता तो कर नहीं पाता, लेकिन बस वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कर देता, राइट। सो अगर ये बात जब, अच्छा क्यों हम यहाँ पे वर यूज करते हैं ये भी जानो, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब अब वो हो नहीं सकता है, बात पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में आगे खत्म हो चुकी है, हाँ बिल्कुल शिवानी, ठीक है ना, वो पास्ट में हुई थी बात और पास्ट में खत्म हो चुकी है, अब वो पॉसिबल नहीं है कि तुम उसकी जगह जाओ, तुम विश कर रहे हो, बिल्कुल विश कर रहे हो, तुम कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो इस सेंस में आप वर का यूज करते हो, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं क्या करता भाई, अच्छे से ट्रीट करता, तो ये खत्म, क्या आंसर मार्क करेंगे भाई, ए,
करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ, राइट। डन डन है भाई, चलो नेक्स्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, है ना, फटाफट आंसर करेंगे इसका। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। सेशन कैसा लगा आपको फटाफट? हाँ, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव फ्लोन टू पेरिस। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, तुमको जाना भैया पेरिस है। चल ठीक है, और फटाफट ये बता दे क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास मजा आ रहा, नहीं आ रहा है, चीजें कैसी चल रही हैं? ठीक है, वो भी आंसर करते चलें फटाफट। ठीक है, सभी के आंसर बेहतर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है भाई। इन्फ्लुएंस बोलना है हमें, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करना है हमें, तो इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग हमें पता है जी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे। चलो सभी के आंसर बेहतर है भाई इसमें। सी कैसे होगा? सी, जिन जो सी आंसर करे। आशा कहाँ 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 खो गई? इन्फ्लुएंस ए दे रखा है यहाँ पे, यहाँ ई दे रखा है। ठीक है, शिवानी बी, बिल्कुल हाँ जी। कैसा लगता है भाई सेशन आपको, वो फटाफट बता दें आप फटाफट। इंजॉइंग सर, वाह बढ़िया, बी नाइस। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आपके लिए फाउंडेशन बैच आए। ठीक है, और दूसरी बात की एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, इंडिविजुअल इंग्लिश का मेंस का, स्पेशली मेंस, सीजीएल मेंस। ठीक है, आपका 25, 26, 27 अक्टूबर में होना है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो उसका बैच लॉन्च हो रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक लॉन्च हो जाएगा। तो जो भी बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने, सीजीएल मेंस की, वो बैच परचेज कर सकते हैं जी। थैंक यू अनुप सोनी, राइट। हाँ तोमर कविता, गुड। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को रखते हो लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि पिनेकल ने नया इनिशिएटिव लिया है लाइव क्लासेस का, इसके पहले हम लाइव आते नहीं थे, आपको भी पता है, अच्छे से पता, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें, है ना। चलिए जी, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।